जी आयनु प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास दी इंग्लिश दी किताब इंग्लिश ग्रामर उस दा चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1.1 डिटरमिनर्स उस दी अगली एक्सरसाइजेज 4 5 एंड 6 इस वीडियो च करन जा रहे हां। सो तुसी सारे नोटबुक अते पेन ले लो, आंसर्स नु नोट डाउन कर लो, पर बाद विचों सारे फिल इन दी ब्लैंक्स नु अपने आप बिना देखे भरन दा अभ्यास भी जरूर करो। ते इसी चैनल दे उत्ते चार प्लेलिस्टां होर ने जो तुहाडे 10th क्लास ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 10th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10th ਸਾਇੰਸ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10th ਮੈਥ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10th ਮੈਥ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। सो एक्सरसाइज 4A सप्लाई सूटेबल डिटरमिनर्स इन दी ब्लैंक स्पेसिस बिलो, अर्थात हेठ लिखे पैराग्राफ में जोड़े खाली स्थान ने उन्होंने ढुकवें डिटरमिनर्स भरो। ठीक है। सो चंडीगढ़ इज दी कैपिटल ऑफ पंजाब, जोड़े स्मॉल प्लेसिज होंगे ने, कंट्रीज के नाम होंगे ने, उन्होंने मोहरे दी नहीं लगता, पर जिदा दी कैपिटल दी समथिंग ऑफ इदा आवे तो दी आता है। ठीक है। चंडीगढ़ इज दी कैपिटल ऑफ पंजाब, कैपिटल तो हैगी है पर कहरी हैगी पंजाब दी कैपिटल, इस करके दी है। सो चंडीगढ़ इज दी कैपिटल ऑफ पंजाब, इट इज़ माई ए पोजेसिव डिटरमिनर, मेरा माई फेवरेट सिटी, ए मेरा मन पौंदा शहर है। आई हैव विजिटेड दिस सिटी मैनी टाइम्स, मैनी बहुत बारी, मैं इस शहर विच बहुत बारी गया हाँ। आई एस्पेशली, मैं खास तौर पर लाइक पसंद करता हाँ कि दी रोज़ गार्डन। हुण रोज़ गार्डन की है बच्चो, ए प्रॉपर नाउन भी है, तो दूजी गल थां दे खास थां दे नां हैगे ने। दी रोज़ गार्डन कहड़ा रोज़ गार्डन जिहड़ा चंडीगढ़ विच हैगा है। सुखना लेक है भी अपने एक कली कली लेक हैगी उत्थे दी चंडीगढ़ दी। सो आई स्पैशली लाइक दी रोज़ गार्डन एंड दी सुखना लेक अ लॉट ऑफ। मैं मैनी भी पढ़ सकता सीगा पर मैनी दी थां मैं अ लॉट ऑफ भरिया ताकि थोड़ा उच वैरायटी आवे। सो अ लॉट ऑफ यदा मतलब होंगे मैनी, बहुत सारे पीपल कम टू दिस सिटी, इस शहर विच फॉर रिलैक्सेशन, अर्थात बहुत सारे लोग इस शहर विच रिलैक्स करन, रिलैक्सेशन वास्ते आउंदे हन इस शहर विच, दिस सिटी। वी ऑलवेज, असी हमेशा स्टे ठहरदे हाँ एट माई अंकल्स प्लेस, अपने चाचा फुफड़ मास्टर दे थां ते। हुण बच्चा देखो किन्नी मजेदार गल है, ए अंकल है। हुण अंकल केड़ा अंकल है, मामा है, मासड़ है, चाचा है, ताया है, फुफड़े, कुछ पता नहीं लगता। सो यह अंग्रेजी देखो कितनी गरीब बोली है इस मामले में, वो सारे नु अंकल कह देंगे ने, तो साड़ी पंजाबी बोली कितनी महान हैगी है, तो कितनी अमीर हैगी है। चाचे वास्ते वखरा ना हैगा है, ताए वास्ते वखरा हैगा है, फिर मासड़ है, मामा है, फुफड़ है। ठीक है ना। सो पता लग जाता है, इतने कुछ नहीं पता लगता कि अंकल के ठहरे हुए हैं, वह दसना पेगा पैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, फिर मैटरनल अंकल में भी मासड़ भी हो सकता है, तो मामा भी हो सकता है, ते पैटरनल अंकल विच फुफड़ भी हो सकता है, ते चाचा ताया भी हो सकता है, उत्थे भी कन्फ्यूजन रहिंदा है। ठीक है ना। सो इत्थे साडे बहुत क्लीयर हो जाता है। खैर, कहिंदे वी ऑलवेज स्टे एट माई अंकल्स प्लेस, असी हमेशा अपने चाचे ताए फुफड़ मामे मासड़ दे घर ठहरदे हाँ। ठीक है, माई मेरे। वैन एवर, जदों कदी भी, वी गो टू चंडीगढ़, असी जदों कदी भी चंडीगढ़ जाने हाँ, अपने अंकल की थां ते उहदे घर ठहरदे हाँ। लाइफ इन चंडीगढ़ इज़ वेरी बिजी, अर्थात जिहड़ी चंडीगढ़ दी जिंदगी है वो बड़ी मशरूफियत वाली हैगी है, लोग बड़े रुझेवें च रहिंदे ने। ठीक है, बड़ा रुझेवें भरा भरिया ए शहर हैगा। एंड पीपल डू नॉट हैव एनी टाइम टू स्पेयर, मतलब लोगों को खाली समा है ही नहीं। टाइम टू स्पेयर होंगे, स्पेयर होंगे खाली, मतलब कि गल करन दा, बह के कोई हाल चाल पुछण दा, कोई चार गल्लां करन दा, दे डू नॉट हैव एनी टाइम टू स्पेयर। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल माने ज़्यादातर लोग, गो देयर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। देयर की हो गया बच्चो, ए हो गया पोजेसिव, जिदा माई है ना मेरा, देयर मैंने उना दी लाइवलीहुड दे रोजी रोटी ढिड दी खातिर। मोस्ट पीपल गो देयर, ज़्यादातर लोग उत्थे जांदे ने टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाण लई। ए मुहावरा याद, मुहावरा तो नहीं हैगा, ए फ्रेज या एक्सप्रेशन याद कर लो, टू अर्न वंस लाइवलीहुड, अर्थात अपनी रोजी रोटी कमानी। सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ज़्यादातर लोग उत्थे अपनी रोजी रोटी लई जांदे हन। सो एक पैराग्राफ हो गया एक्सरसाइज 4, आओ करिए एक्सरसाइज 5।
सो एक्सरसाइज 5 ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਹੂ ਲੁਕਸ ਐਜ਼ ਸਟੂਪਿਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਔਲ ਔਲ ਉਹਦਾ ਉੱਲੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਔਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਐਨ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ ਤੇ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੂ ਲੁਕਸ ਐਜ਼ ਸਟੂਪਿਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਔਲ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕਸ਼ੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਰ ਇਹ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਟੂ ਹਰ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਹਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਟੂ ਹਰ ਸੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਟੂ ਹਰ ਸੈਂਸਿਸ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੰਝਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਢੀਠ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਟ ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋੜੀ ਜਾਓ ਤੋੜੀ ਜਾਓ ਤੋੜੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਰੇੜ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਏ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਸ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਵੇ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੀ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਵੇ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਦਾਰੂ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੀਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੀਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਵੇ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਵੇ ਸ਼ੀ ਲਿਵਸ ਉਹ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਦੀ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਨੀ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਨੀ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਨ ਹਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਨ ਹਰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਦ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚਾਟ ਪਕੌੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਦੋ
दो मतलब हालांकि, दो का मतलब है हालांकि शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। हम देखो गर्ल की है बच्चे, हो सिंगुलर नाउन है पर यह एडजेक्टिव है एजुकेटेड। सो एजुकेटेड किदा लिखांगे पंजाबी च, एडे नू दुलां आ जाएगी, सो एडा आ गया तो इतने आएगा एन। एक ए एजुकेटेड गर्ल नहीं आएगा, जे एजुकेटेड ना होता तो फिर आना सी गर्ल, ठीक है ना। सो दो शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, हालांकि वो एक पढ़ी लिखी कुड़ी है। बच्चे पढ़े लिखे भी मूर्ख होंगे ने, गुरबाणी च गुरु साहब कहते हैं, कहते पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ अहंकारा। जेड़ा मनुख बड़ा लालची हो, बड़ा अहंकारी हो, भावें वो किनिया भी डिग्रियां क्यों ना हो, किन्ना भी वड्डा अफसर क्यों ना हो, गुरु नानक पातशाह कहते हैं यहोजे बंदे मूर्ख करके जाणो। सो इदा के मूर्ख भी होंगे ने बच्चे। दो शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, हर टैंपरामेंट, टैंपरामेंट होंगे सुभाव, टुट टुट के पीती है, मतलब कि सील संजम वाली गल ही नहीं हैगी। हर मैंने वह टैंपरामेंट, मैंने सुभाव, नेचर, वह जो मतलब कि वह जो गलबात का लहजा है, हर टैंपरामेंट इज नॉट गुड, वो चंगा नहीं है। मे गॉड, फिर अरदास करती सहेली है ना वो, तो वो अरदास भी करती, मे गॉड वाहिगुरु करे गिव हर विजडम, सियाणप, स्ट्रेंथ, ताकत टू फाइट दी ऑड्स ऑफ लाइफ। ऑड्स होंगे बच्चे, हो की होंगे ऑड्स होंगे मुश्किल औंकड़ा, ते दी ऑड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी च मुश्किल औंकड़ा तो आंदियां ही हैं। तो गुरु साहब ने कहा भी ए जड़े सानू मनुखा जन्म मिलया है, ये सारी खेड तो मन में जितने की हैगी है। मन कहता सुता रह, मन कहता काम ना कर, मन कहता कोई गल नहीं सफाई की भी लोड़ नहीं हैगी, मन कहता वर्जिश की भी लोड़ नहीं हैगी, मन कहता खाओ पियो मौजा करो। सो मन तो पुठियां गल दसदा। सो यह जड़े ऑड्स ने इनू असी काबू करना है। सो वो कुड़ी की करती है, बड़ी चंगी कुड़ी है, अपनी सहेली लिए अरदास करती, कहते मे गॉड गिवर विजडम एंड स्ट्रेंथ, रब करे वाहेगुरु करे उन्होंने सियाणप अते ताकत दवे कादे लई टू फाइट दी ऑड्स ऑफ लाइफ, ए जिंदगी दी जिहड़ियां औंकड़ां दे नाल लड़न दा, अर्थात मन नूं काबू करन दा उन्होंने ताकत बख्शे, उन्होंने सियाणप बख्शे। सो बच्चे असीं देखो कुछ चंगीयां गल्लां भी सिख रहे हाँ, ते नाल असीं डिटरमिनर्स भी करदे पए हाँ। सो यह हुई एक्सरसाइज 5, ते आओ हुण अगे करिए एक्सरसाइज नंबर 6। आओ जी, इहदा भी टाइटल उही हैगा, सूटेबल डिटरमिनर्स भरने ने खाली थावां विच। आ पुअर, एक गरीब, हुण स्टार्टिंग ही हो रहा ना, पहला पहला पीजेंट होंदा बच्चे, हो किसान, फार्मर का दूजा वर्ड एक पीजेंट, पुअर पीजेंट मैंने गरीब किसान, क्योंकि हाले शुरुआत हैगी आ पुअर, मतलब एक पुअर किसान, एक गरीब किसान। आ पुअर पीजेंट वेंट ऑफ, परे गया, मतलब किधर अपने घर तो खेतों वाल गया, अर्ली इन दी मॉर्निंग, दी मॉर्निंग, दी इवनिंग, असी दी वरत रहे हैं हमेशा इदा समय वास्ते। वेंट ऑफ अर्ली इन दी मॉर्निंग टू प्लो, इन प्लफ नहीं बोल, प्लो, प्लो मैंने हल वाहन ली गया, ठीक है। ही सॉ नो वन, उन्हें कोई नहीं सी दिसया, उन्हें किसी नहीं देखा, येट फिर भी समवन किसी ने हैड सर्टेनली बीन देयर, पर कोई ना कोई फिर भी उत्थे आके गया सी, हैड बीन देयर, भी इत्थे कोई आया सी। जिदा बंदा आंदा ना वो गंदा, कहंदा मैं तो अपना समान, मेरा खेत इदा सीगा, लगता कोई आके गया। जिहड़े बंदे रोज़ दा काम करदे ने उन्हें पता लगता है भी मैं तो चीज़ें इदा छड़ के गया सीगा, इत्थे कोई हिलिया जुलिया भी कोई बंदा आके गया। कहिंदे उन्हें कोई नज़र तो नहीं आया, ही सॉ नो वन, येट समवन हैड सर्टेनली बीन देयर, सर्टेनली मैंने पक्की यकीनी तौर पर, हैड बीन देयर मैंने उत्थे कोई आया सी। ही लॉस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि उन्हें डब अपनी रोटियां रखी सगियां, ब्रेड इतने अभी रोटी लवेंगे या ब्रेड के स्लाइस ले लो, लॉस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, वह एक पीस, आ पीस, एक स्लाइस या एक रोटी वो कट सी। ही हैड लॉस्ट, वो गुआ चुका सी, अर्थात वो रोटियां चो जो गठड़ी समान सी रोटी का, वो चो एक रोटी जा चुकी सी, वो गुआ चुका सी। इट वॉज एन इंप, हुण बच्चे नवा वर्ड देखो, इंप की होंगे जिनूरा, छोटा भूत, बौना भूत, या शरारती परियां, मतलब कि शैतान का जरा कह लो, वह कोई वह करिंदा, ठीक है ना। सो जो एक बड़े न्याणे इलती नहीं होंगे उन्होंने भी असं इंप वर्ड वर्ड दें, जो न्याणा बहुत ही इलती हो उन्होंने भी असं इंप कह दें। सो इट वॉज एन इंप, क्योंकि ए इंप है ना ईडी तो लिखा, ईडी तो सिहारी, सो ऊड़ा एड़ा ईडी तो सिंगल है तो एन आएगा। इट वॉज एन इंप, ए कोई जिनूरा सी। हू हैड स्टोलन, हैड तो बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, दी ब्रेड, हूँ दी ब्रेड होगी, पहले सी आ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी मिसिंग सी, वो रोटी उन्हें चोरी की थी सी। इट वॉज एन इंप हू हैड
स्टोलन दी ब्रेड, वो जड़ी रोटी मिसिंग सी, वो वाली रोटी उस जनूरे ने चोरी कर ली सी। दी इंप वेंट टू दी डेविल, डेविल हुंदा शैतान, वो जड़ा जनूरा सी वो शैतान कोल गया। दी डेविल हिज मास्टर, वह जो मालिक सीगा वो मालिक सी ते जनूरा वह परिंदा सी। दी इंप वेंट टू दी डेविल, किहड़ा डेविल, जो वह मास्टर सी, जो वह मालिक सी, अपने मालिक कोल गया। दी पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, एंगर हुंदा गुस्सा, एंग्री हुंदा गुस्से, एंग्रीली मैंने गुस्से नाल। ते जिहड़ा किसान सी, पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, हुण गुस्सा उन्ने पीजेंट ने किसान ने अपनी जनानी ते कढ़िया, पत्नी नूं गुस्से नाल बोलिया कि तू रोटियां घट पाईआं, उहनूं ते पता नहीं सीगा। दिस प्लीज दी डेविल इवन मोर, इस गल ने शैतान नूं होर भी खुश करता, क्योंकि शैतान जिहड़ा है वह पुठे काम करके खुश हुंदा है। वो जिले देखिया कि है किसान हैगा, वो अपनी निर्दोष पत्नी नूं झाड़ा मार रहा है, उन्हें गुस्से कर रहा है, तो जो डेविल सीगा, शैतान सीगा, वो तमाशा देख के होर खुश होया। दी डेविल प्रेज्ड, दी डेविल वो शैतान ने प्रेज मैंने सिफत की, कहदी दी इंप, ओहो इतने मिसिंग हो गया बच्चों, इंप इतने इंप आना सी बच्चों, दी इंप उस जनूरे की सिफत की, भी तू बड़ा वधिया काम किया, तू रोटी वो चोरी कर ली, तो हुण वो अपनी जनानी नाल लड़दा पिया। बच्चों इत्थे मैं, इत्थे इंप हैगा, इत्थे मैं पाता, इत्थे इंप, ठीक है बच्चों, ए इंप इत्थे आना सीगा, मैं भुल गया, ए मेरी टाइपिंग च मिसटेक हो गई। दी इंप केड़ा इंप, इत्थे एन इंप सीगा, कोई जनूरा, ते उस जनूरे नूं दी इंप क्यों क्या है? क्योंकि वह जनूरा जिन्हें किसान की रोटी चोरी की थी, ठीक है। एंड फॉर गेव हिम, फॉर गिव मैंने माफ़ी करनी, फॉर गिव मैंने माफ़ी देनी, फॉर गिव मैंने माफ़ करता, तो उन्होंने माफ़ करता। हूँ कहानी पिछों चलती पी है कि इंप ने कोई गलती की होनी है, शैतान वो तो नाराज होया होना, तो उन्हें जो चोरी करके इदा फसाद पाया किसान तो वाइफ के, शैतान ने इंप की सिफत कीतिया तो उन्होंने माफ़ कर दिता। द नैक्सट ईयर, अगले साल, दी इंप, ओह बच्चे तो फिर है भी इंप फिर मिस हो गया, कि गलती हो गई मेरे को, इतने बच्चों इंप मिस हो गया, प्लीज इतने इंप लिख लो, इतने इंप ये पूरी, तो फिर रिकॉर्डिंग से बहुत टाइम लगेगा बच्चों, थोड़ी किताब से लिखे ही होया। दी इंप उस इंप ने, ठीक है, दी नैक्सट ईयर अगले साल, दी इंप वो जड़ा जनूरा सी एडवाइज उन्हें सलाह दी कि दी पीजेंट फार्मर नूं टू सो बीजे ऑन आ हिल, किसी पहाड़ी ते। हुण कहानी दा कोई बच्चों पैराग्राफ ये हिस्सा है भी अ हिल किसी पहाड़ी ते, ते जे कहानी दे उत्ते पहले कहानी दे उपरले स्टार्टिंग विच किते कोई पहाड़ी दा जिक्र आया तो दी हिल भी आ सकता है। सो इत्थे ऑन दी हिल भी चल जाएगा जे कोई खास पहाड़ी हैगी है, तो ए हिल भी चल जाएगा जे उत्थे ज़्यादा सारिया पहाड़ियाँ ने, तो पहाड़ियों की चोन फार्मर को हैगी है, तो फिर ए हिल भी आ जाएगा। तो अगले साल दी इंप, दी इंप उस जनूरे ने एडवाइस सलाह दी कि दी पीजेंट उस किसान नू टू सो मैंने बीज बीज बीजे ऑन आ हिल किसी पहाड़ी ते, ते जे दी हिल उस खास पहाड़ी ते जिहदा पहले जिक्र आया होएगा, ठीक है बच्चों। सो इस तरह डिटरमिनर्स इदा सोच विचार के भरने ने, तुहाडे सामने मैं हल करी जा रहा, तो तुसी इन्हां दा प्रैक्टिस, इन्हां दा अभ्यास करी जाओ। बस इस गल दा ख्याल रखना बच्चों, दी और एंड विच इंप आएगा, वो टाइपिंग वेले गलती हो गई, तो इत्थे भी दी और एडवाइस दे विच इंप आएगा। सो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी तुहाडियां एक्सरसाइज 4, 5 और 6, तो इसी तरह नेम नाल अनुशासन नाल पढ़ाई करी चलो, तो अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।